आप मुझसे तो उतना आप शुक्र करेंगे, कोई 10 रुपये दे रहा है तो उतना आप शुक्र करेंगे, जैसा एहसान है शुक्र ऐसा होगा। ये कायदा है, उसूल है। और एक साहब है, उन्होंने आपको क्या है? अपनी कार जो थी आपको दे, आप रख लेना अल्लाह के वास्ते, कबूल कर लेना, शुक्रिया बन बैठे देखते रहे भाई आप कौन क्या नहीं परेशान क्या, क्योंकि एहसान ऐसा है कार दे दी। और उसके बाद बोले कि भाई आप क्या किराए के घर में बहुत सदमा होता है, तो आप बोले क्या करना चाहते हैं आप? मैं ऐसा खास घर में रहता हूँ, आप भी खास घर में रहना, ये फलाम घर है जो 3 एकड़ का है, आप ले जाओ आप 3 एकड़, उसमें क्या क्या है, स्विमिंग पूल है, उसमें क्या है, वो मैदान है, पार्क है, ये है, सब है, 3 एकड़ में बनाया, वो आप रख लेना, पूरा पूरा एकड़ दिया, पूरा वो उसके हो जाएंगे, जिससे मिले उसके राग लगाएंगे, उसका गाना गाएंगे, उसकी तारीफें करेंगे, उसकी मदहसराई करेंगे। याद रखो, मैं आप बोले ईमान से, ये जो चाय भी आए उसका शुक्रिया नहीं करने वाला ना शुक्रा, जो खाना खिला उसके शुक्रिया नहीं करने वाला ना शुक्रा, जो आपको कार दे उसका ना शुक्रिया शुक्रिया नहीं करने वाला बड़ा ना शुक्रा, हरदार बेवफा नहीं है। जो आपको घर दे ले वो उसका ना शुक्रिया, जो ना आप उसका शुक्रिया ना करें तो आप हरदार बेवफा है। याद रखना, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ भी हमको नबी जब आए तो काफिरों ने क्या किया, तौहीन तासीम की नहीं,
माँ अंतर इल्ला बशर हूँ मिसल अल्लाह, आप हमारे जैसे बशर, तुम हमारे जैसे बशर, तुम जादूगर हो, तुम झूठे हो, ये ताजी में तौहीन है, जो काम उसने किया तौहीन करने का वही इसने किया, इनको सिखाए, ये खारिज हो गया, अल्लाह का फजल है कि हम उसकी उसका सबक हमने नहीं पढ़ा, हमने उसका सबक नहीं पढ़ा, मुस्तफा का सबक पढ़ा, मुस्तफा ने जो सबक पढ़ाया तो अब देखिए एक दो आयात कुरान मजीद के ताज़ीम में कबीर बड़ों की ताज़ीम तौकीर कबीर ना करने से मुसलमान काफिर हो जाए और तौकीर कबीर बड़े बड़ों की ताज़ीम करने की वजह से काफिर मुसलमान हो जाए। अभी इस पर कुरान के दो आयात कुरान शरीफ पहला वाकया सबूत है कि शैतान पहले मुसलमान था, मुसलमान था और जन्नत में था, तौहीन करने के साथ जन्नत भी नहीं रहता, तो मालूम हुआ तौहीन करने वाला जन्नत भी नहीं रहता, निकाल दिया गया, तो तौहीन करता है कोई तो उसे अल्लाह ताला पहले से जन्नत में है भी तो उसे निकाल देता है, अब तौहीन करने वाला पहले से बाहर है वो कहां जन्नत में जाए, जो था उसे निकाल दिया, बस और याद रखना हाँ मुसलमान उसने क्या किया तौहीन की तो क्या हुआ काफिर हो गया, तो तौहीन बुजुर्गों से बुजुर्गों की तौहीन से मुसलमान काफिर हो जाता है, सबूत है काफिर हो और तौहीन कबीर से काफिर भी मुसलमान होगा, इसका सबूत कुरान मजीद में दो आयत कि फिरौन काफिर था, फिरौन काफिर था, अल्लाह ताला ने उसके पास मूसा अलैहिस्सलाम को हारून अलैहिस्सलाम को भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के आकर बयान करने के बावजूद वो अपने कुफ्र से हटानी कुफ्र पर ही रहा, तो उसका इसकी वजह क्या है वो काफिर होने के साथ साथ गुस्ताख था, कई कुफार नबियों की तालीम को सुनकर मुसलमान हो जाते, फिरौन मुसलमान नहीं हुआ, उसकी वजह क्या है वो काफिर भी था, इमाम कई सहाबा काफिर थे, सरकार के वाज़ो नसीहत को सुनकर क्या हो गए मुसलमान, जिसके पास गुस्ताखी होती है साथ वो उसे हिदायत नहीं मिलती, तो फिरौन ने कुफ्र भी था साथ गुस्ताखी का कुफ्र था, बेअदबी करना बोले क्या है हर कुफ्र में गुस्ताखी है, नहीं हर गुस्ताखी कुफ्र है, हर गुस्ताखी कुफ्र है, पैगंबरों की गुस्ताखी कुफ्र है, हर कुफ्र में गुस्ताखी नहीं है, कैसा है खालिद बिन वलीद काफिर थे, बेअदबी नहीं करते, गुस्ताखी नहीं करते, हकारत करना इहानत करना ये दीवाना है, ये जादूगर है, झूठा है, ये काहिन है, ऐसा नहीं, वो ये करते थे कि हमारे दावों के खिलाफ ये कहता है नहीं मानते, समझ आ रही जी, अबू लहब अबू जहल ये गुस्ताखी के साथ बस, बहुत से काफिर आपको मिलेंगे तो आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे कुछ भी नहीं करेंगे, काफिर तो है और बाद में आपको देखकर मस्तरी करेंगे मजाक उड़ाएंगे ठट्टा उड़ाएंगे, गुस्ताखी भी है बस, तो फिरौन में गुस्ताखी थी वजह क्या उसके अंदर तकब्बुर था, शैतान में गुस्ताखी थी उसमें तकब्बुर था, फिरौन में इतना तकब्बुर था कि उसने तो क्या कह दिया मैं ही बड़ा बनूंगा, शैतान ने भी जो नहीं कहा वो कह दिया, शैतान का शागिर्द उस्ताद से भी आगे बढ़ जाते हैं।